Hello everyone, this is your mentor Priya back again with another exciting video. In today's video, I am going to tell you about your language development. Why? Because language is a very important part of your personality. ये आपके personality का बहुत important भाग है जिसे आप अगर निखारेंगे तो आपकी personality automatically develop हो जाएगी. So our life is not confined within the boundary of our house. हमारा जो life है वो हमारे घर के भीतर से नहीं चलता है. People around us are making the language good or bad for us. Whatever we are listening, whatever we are communicating, in that way we are making our language developed. So how you can make your language developed? Number one, talk to the people who are using good language, understood? And whether they are using some abusive languages or some language which is not good for you, just try to ignore those, understood? आप उसको छोड़ दीजिए. दूसरी बात है कि लाइक वी आर वेयरिंग द ऑर्नमेंट्स, ठीक है, एंड वी आर लुकिंग ब्यूटिफुल, बट आप ये सोचो कि क्या आप सब समय ऑर्नमेंट्स पहन सकते हो? नो. सो द लैंग्वेज इज़ योर ऑर्नमेंट. आप जैसी भाषा बोलते हो, पीपल स्टार्ट टॉकिंग अबाउट यू इन गुड मीन. वो बोलना शुरू करेंगे कि आपकी लैंग्वेज बहुत अच्छी है, आपके संस्कार बहुत अच्छे हैं, क्योंकि पीपल विल बी रिमेंबरिंग दोज पीपल हु आर वेरी गुड इन देयर कल्चर, हु आर वेरी गुड इन देयर बिहेवियर. सो यू जस्ट टेल मी हु रिमेंबर द पर्सन्स हु बिकम वायरल फॉर सम टाइम. कितने लोग बात करते हैं फॉर सम डे एंड दे विल फॉरगेट अबाउट देम, बट वॉट अबाउट इंदिरा गांधी, कल्पना चावला, सुनीता विलियम्स एंड मैनी मोर, रतन टाटा जी. देयर लैंग्वेज इज़ ब्यूटिफुल. दे आर जस्ट यूजिंग वंडरफुल वे ऑफ कम्युनिकेशन. सो ट्राई टू एब्जॉर्ब, ट्राई टू इनकलकेट गुड लैंग्वेज थिंग्स एंड हाउ यू कैन डू. सो यू कैन स्टार्ट रीडिंग गुड बुक्स, लिसनिंग टू गुड पॉडकास्ट. अच्छी अच्छी लोगों की बातें सुनिए, चाहे वो आपको यूट्यूब में आता हो, चाहे वो कहीं पर आपको रेडियोज़ में आता हो, उनके लफ्ज़ को सुनिए. ट्राई टू जॉट डाउन दोज थिंग्स, उसको लिखिए और उसको ही बोलने का और दोहराने की कोशिश कीजिए, ठीक है. इन दिस वे अगर आप ऐसा करेंगे ना तो आपकी स्टेज फियर ख़त्म हो जाएगी. लोगों से कम्युनिकेट करेंगे नहीं हो रहा है तो स्टैंड इन फ्रंट ऑफ द मिरर, मिरर के सामने चले जाइए, वहाँ ट्राई कीजिए बोलने का. और इवन यू कैन शूट योर सेल्फ, एक वीडियो बनाइए, जैसे मैं वीडियो बनाती हूँ, ठीक है. तो मेक योर वीडियो डन, उसके बाद गिव योर वीडियो अ थम्स अप, ओनली देन व्हेन यू फाइंड इट परफेक्ट, ये सही है नहीं, फिर डिलीट कीजिए, ठीक है. उसके बाद जब तक आपको वो परफेक्ट नहीं लगता है तब तक आप उसको डिलीट करके शूट करते रहिए. आई स्वेयर कि एक दिन ऐसा आएगा यू विल बी परफेक्ट इन यूजिंग डिफरेंट टर्म्स, ओके. एंड टॉकिंग अबाउट इंग्लिश, इंग्लिश हैज़ बिकम अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आर लाइफ नाउअडेज. आई एम नॉट सेइंग दैट हिंदी इज़ नॉट गुड, हिंदी इज़ आवर मातृभाषा, राष्ट्रभाषा, बट इफ़ वी आर अबाउट टू गो समवेयर, if we are meeting with people, different people, people will be taking you for granted and will think about you, yeah, you are a civilized person, you are a well-to-do person, only if you have good words in your English. I'm not telling that it is like a miracle, one day you start and second day you are doing amazingly speaking in English. No, try to put some little words, ठीक है, जैसे कि पूरा हिंदी में बोलिए और उसके बाद कुछ कुछ इंग्लिश के टर्म्स लीजिए. वैसे भी हमारे हिंदी भाषा में इंग्लिश का ऑलरेडी बहुत सारा टर्म्स लिया हुआ है, आप भी कुछ एक्स्ट्रा लीजिए, ठीक है. जैसे आप बोलते हैं कि आई एम गुड, थैंक यू फॉर आस्किंग, या फिर कभी भी बातें करते हैं लोगों से कि क्या हालचाल है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, उसमें बोल दीजिए ना कि आई वॉज़ एक्सपेक्टिंग द सेम फ्रॉम यू, मुझे वही लग रहा था कि आप बहुत अच्छे होंगे. सो थैंक यू, नो मेंशन, माय प्लेजर, वेरी गुड, शोइंग द थम्स अप इन द हैंड जेस्चर्स. सो इन दिस वे यू कैन डेवलप योर लैंग्वेज. एक बार आप अपने लैंग्वेज को डेवलप कर लिए ना तो उसके बाद वो जो शाइनेस है, वो जो डर है, दैट विल ऑल वैनिश, ठीक है. और एक बात और है कि ये जो नर्वसनेस और शाइनेस जो आता है ये ओनली आता है
द lack ऑफ practicing. Why some people are lagging behind? क्योंकि दे आर अनेबल टू स्पीक फ्लुएंटली. सो दैट इज़ नॉट अ वेरी बिग डील. एक दिन आप कोशिश करेंगे, दूसरे दिन थोड़ा और आगे जाएंगे, तीसरे दिन और आगे जाएंगे, एंड इट विल बी डन. ठीक है. सो लैंग्वेज इज़ द ऑर्नमेंट एंड इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर पर्सनैलिटी. माइंडेड लैंग्वेज को ठीक रखिए. अच्छी चीज़ों को ग्रास्प कीजिए, बुरी चीज़ों को छोड़ दीजिए. ठीक है. और बस यही, लैंग्वेज डेवलपमेंट करिए, अपने पर्सनालिटी को निखारिए. थैंक यू. मिलते हैं अनदर वीडियो में. प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट. आप लोग कमेंट करेंगे तो मुझे और भी एनर्जी मिलेगी, एनकरेजमेंट मिलेगा, और मैं और भी वीडियोस बनाऊंगी. आई नो कि मैं बहुत दिन बाद कुछ अपलोड करने जा रही हूँ, बट अब ये नहीं होगा बिकॉज आई वॉज अंडर गोइंग सम ट्रेनिंग लाइक टिसॉल ट्रेनिंग. नाउ इट इज़ ओवर. Now you will be getting next videos very soon. Thank you. Give a thumbs up. Bye-bye and subscribe.